हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूँ 11th क्लास की फिजिक्स क्लास में आपका। वेक्टर्स हम पढ़ रहे थे, मोशन इन प्लेन हम शुरू करेंगे इसके बाद, और वेक्टर्स के कुछ लास्ट टॉपिक्स हैं जो आप आज हम करेंगे, जिनमें सबसे पहले है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जैसा कि नाम से ही पता है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन को डिस्क्राइब करे, जो ओरिजिन से ये बता दे कि भाई ओरिजिन से सीधा इतनी दूर है और इस डायरेक्शन में है, अकेला वेक्टर वो काम करेगा, वो पोजीशन वेक्टर है। इट इज द वेक्टर विच डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन को डिस्क्राइब करे किसी भी पॉइंट की, वो पोजीशन वेक्टर है। ये हमें क्या देता है कि जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, जैसे मान लो सपोज P, ये P पॉइंट है, हम प्लेन में ले रहे हैं, प्लेन का मतलब सिर्फ दो कोऑर्डिनेट है X और Y प्लेन के अंदर, और ये ओरिजिन है, तो ये जो वेक्टर है ये जिसने हमें इस P पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताया है, ये जो वेक्टर है सपोज दिस वेक्टर इज R1, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो हमें क्या बता रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं कि भाई ओरिजिन से इतनी दूरी पे है और इस डायरेक्शन में है, तो ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, वैसे यही काम इस पॉइंट पे पहुंचने का काम, इस पॉइंट के पोजीशन दो चीजें और बताती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं ना, जैसे ये मान लो कोऑर्डिनेट इसका एक्स वन और ये कोऑर्डिनेट है y1, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलके क्या कर रहे हैं, हमें p पॉइंट पे पहुंचा रहे हैं कि आप x एक्सिस का लॉन्ग x1 यूनिट चलिए और y एक्सिस का लॉन्ग y1 यूनिट चलिए, तो आप p पे पहुंच जाएंगे, और वही काम अकेला r वेक्टर कर रहा है, r1 वेक्टर कर रहे हैं। इसका मतलब ये r1 वेक्टर अकेले वो काम कर रहा है जो ये दो वेक्टर x1 x एक्सिस के लॉन्ग x1 i कैप, ये वेक्टर क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक x1 i कैप, और ये वेक्टर क्या कहलाएगा, y1 j कैप, तो ये दोनों वेक्टर मिलके जो काम कर रहे हैं r1 वो अकेला कर रहे हैं, यानी कि r जो हुआ r1 वो x1 i कैप और y1 j कैप का रिजल्टेंट हुआ, तो यहाँ पे r1 जो पोजीशन वेक्टर है वो x1 i कैप प्लस y1 j कैप हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर है जो अकेले ही वो काम कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेट्स कर रहे हैं, यानी कि ये डायरेक्ट हमें ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन और डिस्टेंस उसकी बता देता है कि भाई इतनी डिस्टेंस पर इस डायरेक्शन में, तो ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है इसका। ठीक है, समझ गए आप। और यही मान लो किस में हो, 3D में हो, यही चीज 3D में हो, स्पेस में हो, तो एक कोऑर्डिनेट और आ जाएगा उस, तब इसका क्या बन जाएगा, ये आर वन इज इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। जैसे हम ये कॉर्नर रूम है, रूम के एक कॉर्नर को ओरिजिन मान ले, और ये पॉइंट है जैसे फैन है, तो फैन की पोजीशन तीन कोऑर्डिनेट से निकलेगी x y z, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट ही बता देगा, तो पोजीशन वेक्टर जो डायरेक्ट बता रहे हैं वही काम तीन कोऑर्डिनेट मिलके करेंगे, तो यहाँ पर ये तीन कोऑर्डिनेट्स यानी कि x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप, इनका ये रिजल्टेंट होगा। समझ गए, तो दिस इज अबाउट द पोजीशन वेक्टर। उसके बाद इसके अंदर आता है एक और वेक्टर जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है ना कि ये वेक्टर हमें क्या बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है। इट टेल्स अबाउट व्हाट, इन व्हिच डायरेक्शन एंड how much an object is displaced, किस direction में और कितना कोई object displaced हुआ है वो हमें कौन बताता है, displacement vector। देखिए ये मान लो जैसे कोई object था जो P point पे है, इसने यहां से displace होके ये यहां आ गया Q point पे। ठीक है, तो ये जो vector है देख रहे हो आप, पी क्यू वेक्टर, इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो यहाँ पे पी क्यू वेक्टर यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो हमें क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट
इस डायरेक्शन में और इतना डिस्प्लेस हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जब पोजीशन बदल गई ऑब्जेक्ट पी से क्यू पे आ गया तो पोजीशन वेक्टर भी तो बदल जाएगा। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर टू। अब इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर टू, नहीं। अब आप देखेंगे कि ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह नहीं बन गया, ये आर वन और ये पी क्यू, ये आर वन और ये पी क्यू सेम ऑर्डर में है, मतलब आर वन प्लस पी क्यू, आर वन प्लस पी क्यू ये सेम ऑर्डर में है और अपोजिट ऑर्डर में क्या है आर टू। तो इसका मतलब पी क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके इक्वल हो, आर टू माइनस आर वन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन, आर टू माइनस आर वन चेंज इन पोजीशन, दैट इज पी क्यू वेक्टर। अभी जैसे पी पॉइंट पे था तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन और वाई वन थे, अब वो क्यू पॉइंट पे गया तो Q पॉइंट पे मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, X2 और Y2। P पॉइंट पे कोऑर्डिनेट थे X1 Y1 और P Q पॉइंट पे मान लो हो गए X2 Y2। तो अब हम जैसे यहाँ पे लिख रहे थे ना R1 is equal to this, इसी तरह से R2 को हम क्या लिखेंगे, X2 I cap plus Y2 J cap plus Z2 K cap। यदि फ्री स्पेस में है, 3D में है तो Z2 भी आ जाएगा। तो यहां से PQ वेक्टर कितना आ गया, PQ जो कि क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किसके इक्वल है R2 माइनस R1 के। R2 कितना है X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप माइनस R1, R1 क्या है X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। सो दिस इंप्लाइज PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज X2 माइनस X1 I cap। इसका मतलब वो X एक्सिस के अलोंग कितना चला, X2 minus X1। भाई X एक्सिस के अलोंग उसकी जो पोजीशन में चेंज आया वो आया X2 minus X1 प्लस Y एक्सिस के अलोंग कितना चला, Y2 minus Y1। Y एक्सिस के अलोंग कितना चेंज आया, Y2 minus Y1। X एक्सिस के अलोंग कितना चेंज आया, X2 minus X1। और Z एक्सिस के अलोंग कितना चेंज आया, Z2 minus Z1। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, जो के जैसे यहां पर देखेंगे आप पोजीशन वेक्टर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट है, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी तीन वेक्टर का रिजल्टेंट है, x2 minus x1 कैप y2 minus y1 कैप प्लस z2 minus z1 कैप। चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चेंज अलोंग x एक्सिस प्लस चेंज अलोंग y एक्सिस प्लस चेंज अलोंग z एक्सिस। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा आज, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अभी तक हम पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, वेक्टर्स हमने पढ़े, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन।